नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। दिल से आपका स्वागत है। देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो नायक भी हों, खलनायक भी हों, नेता भी हों, अभिनेता भी हों, और जो लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित भी करते हों। हमारे साथ हैं देश के मशहूर अभिनेता भी और नेता भी, राज बब्बर जी। राज बब्बर जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और दिल से जब हम बात कर रहे हैं, और दिल की बात ये होती है कि आदमी संघर्ष करके ऊपर आता है। आप ऊपर से, इसको कहते हैं कि चांदी का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुए। NSD से आपने शुरू किया अभिनय की दृष्टि से, तो वो क्या सच में स्ट्रगल था, या NSD में भी आपको तुरंत नायक बनाने की शुरुआत हो गई? देखिए, मैं स्ट्रगल को एक बड़े पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ। स्ट्रगल अब तो एक कहना चाहिए कि एक फैशन सा बन गया है कि स्ट्रगल या स्ट्रगलर, और इससे हम लोग जो हैं अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी मेहनत को भूल जाते हैं, और हम भी कह के अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि हम स्ट्रगलर हैं। मेरा स्ट्रगल जो था वो एक पॉजिटिव लाइन पर था। मैं बचपन से चाहता था कि मैं एक्टिंग की फील्ड में आऊँ। जब आप आगरा में पढ़ते थे? जब मैं आगरा में पढ़ता था उस ज़माने से ही, और ये भी सच है कि उस ज़माने में मैं समाजवादी युवक सभा से भी जुड़ा हुआ था, और बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता था। लेकिन अंदर जो है एक पेशे को लेकर हमेशा एक यही मेरी लॉ रही कि मैं एक्टिंग में जाऊंगा, और उसके लिए मैंने बाकायदा तैयारी की। तो क्या स्कूल कॉलेज में ही सिखाया गया, या स्कूल कॉलेज में ऐसे सिखाया नहीं गया, लेकिन मैंने कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया, और उस ज़माने के जो यूथ फेस्टिवल हुआ करते थे उसके अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद मैं अपना एक प्राइज लेता रहा। तो सबसे पहले मैं पटियाला गया, पटियाला यूनिवर्सिटी में ड्रामा डिपार्टमेंट था, मैंने वो ज्वाइन किया। बिफोर एनएसडी दो साल मैं वहाँ पर रहा, और वहाँ पर मेरी मुलाकात ओम पुरी साहब से हुई, और मैं वहाँ एक ग्रुप में भी काम करना शुरू किया, साथ साथ करता था। जो हमारी टीचर थी वहाँ पर, मिसेज नीना टिवाणा, जो हमें पढ़ाया करती थी वहाँ पर एक्टिंग उस ड्रामा डिपार्टमेंट में, उनके हस्बैंड हरपाल टिवाणा साहब एक ग्रुप चलाते थे पंजाब कला मंच, और वो NSD से थे दोनों मियाँ बीवी। तो उनके ग्रुप में मैंने शाम को आना जाना शुरू कर दिया, वहीं उनके पास में जाता था, देखता था काम। और ओमपुरी साहब वहाँ पर पहले रह चुके थे उसी ग्रुप के अंदर, तो छुट्टियाँ जब थी तो मैं छुट्टियों में घर वापस नहीं आता था, बल्कि मैं वहीं रहता था और उनके ग्रुप में भी काम करता था। तो उन्हीं दौरान मुझे ओमपुरी साहब ने कहा कि भाई देखो, टिवाणा साहब भी और मिसेस टिवाणा दोनों NSD से हैं, और मैं भी NSD में, तो मैंने NSD के बारे में जानना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे बताया, और उनके बताए हुए तरीकों से मैंने अपने आप को तैयार किया, और मैंने NSD के लिए अप्लाई किया। तो बड़ा टफ कॉम्पिटिशन होता था तब? जी, 72 के अंदर कॉम्पिटिशन में मैं सेलेक्ट हो गया, और मुझे वजीफा मिला 250 रुपये का। बस फिर जिंदगी। और हॉस्टल में रहे आप? जी हाँ, मैं हॉस्टल में रहता था, यहीं हॉस्टल में रहता था। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि मेरी तैयारी थी, और आपने कहा कि मैं पहले से ही नायक बन गया। इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि पहला प्ले जो था, बाहर से डायरेक्टर आए थे, प्रोफेसर सोजो सातो, और ओपन कंपटीशन था। और कुछ इत्तेफाक ही कहिए कि उस कंपटीशन के अंदर नसीरुद्दीन शाह भी थे, जो मुझसे सीनियर थे, ओमपुरी थे, मैं था, कमल नैन चोपड़ा थे, और हमारी पूरी, मतलब हम पूरी क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के हम सभी लोग थे उसके अंदर। तो अलका जी का गुस्सा भी झेलना पड़ता था? अरे साहब, पूछिए मत गुस्सा, उसी उस गुस्से ने ही तो इंसान बनाया मुझे। हम छोटे से शहरों से निकले हुए, एक उम्मीदें, सपने बहुत थे, लेकिन सपनों के साथ में डिसिप्लिन नहीं था। उनको पाने के लिए, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो एक नफासत चाहिए, जो तरीके चाहिए ज़िंदगी जीने के, उठने बैठने के, शायद अगर मैं कुछ सीखा हूँ तो अलका साहब से सीखा। लेकिन उस समय क्या आपका इरादा सिनेमा में जाने का था, इसलिए आप थिएटर में आए, या थिएटर के बाद सिनेमा जाने की? देखिए, मैं झूठ बोलूँगा अगर मैं ये कहूँगा कि मैं सिर्फ थिएटर में जाने के लिए थिएटर में आया था। ऐसा कुछ नहीं था, सिनेमा ने ही जो है आकर्षित किया था थिएटर में। उन्हें उस समय राज कपूर या दिलीप कुमार या किरण, आपके मन में क्या था रोल मॉडल जिसको कहना चाहिए? शुरू शुरू में तो नेचुरली, अब अगर आप पूछेंगे कौन था, तो दारा सिंह थे।
लड़ने का शौक था क्योंकि वो उनकी फिल्में जो थी वो सस्ते थिएटर में आया करती थी और हर हफ्ते हम उनकी फिल्म ने पहले देखना शुरू किया। किंग कॉन्ग आया तूफान, मतलब मेरे ख्याल सारी ऑलमोस्ट सभी फिल्में देखी होंगी। उनकी फिल्में देख देख के फिर मुझे जो है एक और थिएटर था वहाँ महावीर सिनेमा जो बहुत सस्ता था और वहाँ पुरानी फिल्में आती थी, वहाँ दिलीप कुमार की फिल्में देखना शुरू किया। तो मेरा ट्रांजेक्शन जो है दारा सिंह से दिलीप कुमार हुआ। दिलीप साहब की फिल्में देख कर सही माने में जो है अंदर जो है बहुत जुनून पैदा हुआ और उसी जुनून का असर है कि मैं ड्रामा स्कूल में पहले ही महीने में कंपटीशन मुझे हो रहा था, एडमिशन लेने के बाद ही मुझे दूसरे महीने एक बहुत बड़ा जो प्ले था काबू की प्ले था जिसका नाम था इबारागी, जिसमें ओमपुरी, रोहिणी अथंगड़ी, मैं, कमल नैन चोपड़ा, रतन थियम, हम सब लोग इसमें हमें काम मिला और पहले दिन से ही अखबारों में नाम छप गया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सर कि अखबार में नाम छप जाना। तो प्रोसेस के अंदर मैं थिएटर तो कर रहा था और थिएटर करते करते इस बात का भी एहसास था कि हमारे पास में उस तरह की चीज़ें नहीं हैं जो हिंदी सिनेमा के लोगों के पास में चाहिए और ये मन भी बना चुका था मैं कि मैं थिएटर में रहूँगा। और शायद यही लड़ाई भी थी कि 3 साल मैंने मेजर रोल करने के बाद मैंने रेपर्टरी ज्वाइन नहीं की। और आप बम्बई चले गए? नहीं, मैं यहीं पर था, दिल्ली में था। और दिल्ली में इस बात को विनम्रता से कहूँगा कि मैं पहला फ्रीलांसर एक्टर था जो सिर्फ एक्टिंग से पैसे कमाता था, मैंने कभी भी कोई और काम नहीं किया। बाकी तो हमारे तब थिएटर में पैसा कमाने के लिए तो बड़े चीप जिसको कहते हैं ऐसे 25 रुपये इस तरह के रोल भी आते थे जो 25 रुपये बड़ी मुश्किल से मिलते थे। 25 रुपये किसी एक्टर को देना ये बहुत बड़ा मतलब बोझा होता था कि हम 25 रुपया किसी एक्टर को दे रहे हैं। और मैं कहता था मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, 3 साल का ट्रेंड एक्टर हूँ, अगर मेरा काम अगर आपको पसंद है तो कम से कम मुझे फीस दीजिए। तो रिहर्सल के हमें पैसे नहीं मिलते थे, तो एक दो प्लेस के बाद में मुझे रिहर्सल्स के 5 रुपये मिलना शुरू हो गए और 25 रुपये शो मिलना शुरू हो गए। और इस तरह से मैंने यहाँ, और पहली बार अगर मुझे किसी ने दूरदर्शन में काम दिया टीवी में तो वो इला अरुण जो थी उनका अपना एक प्रोग्राम था और उसमें भी मुझे 25 रुपये ही मिले थे। तो मैं ज़िंदगी की शुरुआत बहुत पॉजिटिव रही है, मेरा स्ट्रगल कोई इस तरह का स्ट्रगल नहीं रहा कि आज, लेकिन मैंने ये देखा कि ज़िंदगी में एम मेरा बहुत सही था, काम मैं कर रहा था, एक्टर बनना चाहता था और उस सूरत में मैं अपने रास्ते पर था। तो मेरा पहले दिन से अगला दिन जो है वो हमेशा अच्छा रहा। तो राजभर साहब जिस तरह की बात कह रहे हैं वो लगता है कि पॉजिटिव ढंग से शुरू किया और अंत तक जिसको कहना चाहिए कि लगातार जो फिल्म में संघर्ष उनका आज भी जो जारी है उसके पीछे यही है कि पॉजिटिव हो, समाज में कुछ अच्छा दे सके। राजभर साहब, हम इस बातचीत को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए दिल से। एक डायलॉग था मेरा, पहचाना मुझे, बस मैं टोपी उतार के दिखा रहा हूँ, पहचाना मुझे, एक लाइन थी लेकिन उसके 500 रुपये मिले थे मुझे। दिल से एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं देश के मशहूर फिल्म अभिनेता और राजनेता राज बब्बर जी। राज बब्बर जी, जिस तरह से अभी थिएटर की बात कर रहे थे लेकिन सिनेमा, आप 1980 के आसपास सिनेमा की तरफ मुड़ गए जी, और वो भी मतलब एक बड़ा कहना चाहिए कि बड़ा भारी एक चुनौती वाला काम था। तो थिएटर के आदमी को सिनेमा के लिए, चाहे वो पृथ्वीराज कपूर साहब भी रहे हों, लेकिन यह है कि सिनेमा की अलग तरह की चुनौतियाँ रही होंगी। मैंने देखिए 3 साल का यहाँ डिप्लोमा किया, मैंने डिग्री हासिल की यहाँ पे 3 साल की अपनी, उसके बाद में मैंने मेजर बेहतरीन रोल किए, फिल्म वालों ने मेरे यहाँ पर काम देखा और मेरे साथ भी बहुत सारे हादसे हुए। यहाँ पर सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, यश चोपड़ा, इन सब लोगों ने मेरा काम देखा, यहाँ पे मेरा नाटक देखा, यहाँ इसी आईफेक्स थिएटर में, फाइन आर्ट्स थिएटर में,
और देखने के बाद में मुझे बुलाया, फिर मुझे सेलेक्ट भी कर लिया गया, मैं शक्ति फिल्म के अंदर सेलेक्ट भी हो गया। अच्छा। लेकिन फिर इत्तेफाक कमर्शियल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मुझे ना लेकर एक बहुत बड़े स्टार जो उस वक्त के स्टार थे उनको लिया गया। तो खैर ये चीज़ों का कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं। फिर कौन सी पहली फिल्म आपको मिली? मुझे पहली फिल्म तो मिली शारदा, लेकिन उससे पहले मैंने 77 के अंदर फिल्म फेयर एक जो माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, उसके लिए जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया थिएटर में। मैं जो हूँ मतलब अब थिएटर थे अब क्योंकि यहाँ एक थिएटर का हमारा एक, एक, एक वो होता था, तो लेकिन मैंने उस मजाक को सहा और मैंने अप्लाई किया और इत्तेफाक से कुछ लोगों ने मेरा काम पसंद किया, जिसमें बी आर चोपड़ा थे, सुबोध मुखर्जी थे, जीवन प्रकाश साहब थे, देवेंद्र गोयल साहब थे, इन लोगों ने मेरे काम को बहुत सराहा, मेरे इंटरव्यू में मेरे जो पीसेस थे उनको बहुत सराहा। मनोज कुमार वगैरह की मदद नहीं? नहीं, मनोज साहब इसमें नहीं थे, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स का एक अपना एक ग्रुप होता था। इन लोगों ने मुझे साइन भी करने के लिए बुलाया, लेकिन कुछ कहते हैं हालात, कुछ वक्त की बात होती है कि जो चीज़ वक्त पे होनी होती है वही होती है। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर लेवी लग गई थी, सरकार ने लेवी लगा दी थी एक्साइज की, और प्रोड्यूसर्स के बहुत बुरे हालात थे। तो प्रोड्यूसर्स ने हथियार डाल दिए कि भाई हम लोग बहुत ओवरबर्डन है, हम लोग जो है जो हमने कमिट किया था वो अभी नहीं कर पाएंगे, हम छोटी फिल्म नहीं बना पाएंगे आप लोगों के साथ में। तो मुझे वापस भेज दिया गया, वापस आ गया। फिर उसके बाद में वो चर्चा मेरा हो गया था, तो सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, इन लोगों ने भी मुझे बुलाया, उन्होंने भी काम दिया, लेकिन वो उसमें से भी निकल गया। और उसके बाद में प्रकाश मेहरा साहब ने यहीं, ये अक्टूबर की बात है शायद, 27 अक्टूबर थी जिस दिन रिलीज था मुकद्दर का सिकंदर करके फिल्म, और यहाँ पर उन्होंने प्रीमियर था 25 या 26 को, तो उन्होंने मुझे, मेरा प्ले चल रहा था एक टीवी पे, तो बोले यार ये राज बब्बर वही लड़का है। तो मेरे मित्र नहीं कहूँगा, मेरे सीनियर हैं, बड़े हैं, शंकर सोहेल साहब, उनके दोस्त थे प्रकाश जी, उन्होंने कहा भाई मेरे अपना बच्चा है, अपना छोटा भाई है, तो मुझे बुलवा लिया गया, मिलाया गया कि भाई तुम वही राज बब्बर हो? मैंने कहा जी, जो फिल्म फेयर में सेलेक्ट हुए थे और सलीम जावेद लेकर। मैंने कहा जी हाँ साहब। तो बैठे रहे, शाम मेरी बहुत अच्छी गुजरी उनके साथ में। उन्होंने फिर कहा कि भाई अगले दिन तुम आओ प्रीमियर की पार्टी में। मैंने कहा साहब मेरा रिहर्सल है, मैं उसके बाद आऊँगा। तो मैं रिहर्सल के बाद मैं गया और प्रकाश जी ने यहाँ, मतलब ही बस ने बहुत मूड में थे, और विनोद खन्ना साहब उस वक्त इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने ऑलमोस्ट त्याग कर दिया था। तो मुझे दो फिल्मों के लिए इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जादूगर और नमक हलाल में राज बब्बर होंगे। मैं एकदम सकते में आ गया कि दो बड़ी फिल्में और इतने बड़े प्रोड्यूसर और इतने बड़े एक्टर के साथ में और तमाम चीज़ें लेकिन फिर कहूँगा मैं कि हर चीज़ वक्त के साथ में होती है। इन्होंने कर दिया। मैंने शाम को जब फिर अपनी शाम को अच्छा से गुजारने की कोशिश की, लेकिन गुजार नहीं सका। मैंने इनसे कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोले कल आ जाओ दोपहर में। मैंने कहा ठीक है। दोपहर को 2 बजे जब मिलने गया तो मैंने कहा साहब आपने अनाउंस कर दिया, इससे पहले दो फिल्में में दो बार मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका है, ये तीसरी बार है। तो उस बात को उनको, प्रकाश जी को लग गई। बोले क्या मतलब है आपको, लगता है हमने अनाउंस किया पीके किया? हमने कहा सब करेंगे। मैंने कहा साहब थैंक यू सर, बताओ क्या करना है, कैसे करना है? मैंने कहा साहब मेरे पास मुंबई में कोई, ना मेरा बाप है ना कोई रिश्तेदार है, मुझे वहाँ रहने की जगह चाहिए। तो कब आना चाहते? मैंने कहा जी 1 जनवरी को। ये 79 की बात है ना, 78 की बात है। तो उन्होंने कहा 1 जनवरी क्यों? मैंने कहा सब 1 साल के लिए आना चाहूँगा। तो मैं 1 जनवरी को, उन्होंने कहा उनके धवन उनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उन्होंने कहा भी टिकट इनकी करा दो 1 जनवरी। 1 जनवरी की उन्होंने टिकट करा दी मेरी, और मेरे पास एक स्कूटर होता था, मैंने वो स्कूटर बेचा, बीवी को उसके पैसे दिए। मैंने कहा भाई ये पैसे रखो, इसमें से 500 रुपये महीना निकालते रहना, बाकी जो है टीवी से और थिएटर से। खफा हो गई होंगी कि आप इस तरह से जो है सब बेच बाज के? खफा तो हुई, मतलब ऐसे माहौल में जहाँ पर मैंने दिल्ली में अपने धीरे धीरे पांव जमाए थे और वहाँ से निकल कर जाने में खफा, क्या एक तकलीफ तो थी, और उस तकलीफ के अंदर कुछ क्या कहती हैं, मेरी भी जिद थी। फिर मैं निकल गया। निकलने के बाद जब वहाँ गया तो एक मुड़ के नहीं देखा
पीछे मुड़ के नहीं, लेकिन वहाँ पे एक कुछ ब्रेक लगे, जैसे एक महीने के अंदर ही पता लगा कि इन्होंने, प्रकाश जी ने कहा कि भाई देयर इज अ प्रॉब्लम इन फिल्मों में, तो हम तुम्हें नहीं ले पाएंगे, उसकी वजह है कुछ। हमने कहा जी ठीक है, लेकिन मैं तो अब आपने रहने की जगह दी है, वो तो मैं अब साल भर रहूँगा यहाँ, आपसे मैंने कहा था कि मैं साल भर के लिए हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है रहिए। बस ऐसे ही कुछ घूमते फिरते रहे, और सारिका का कोई फंक्शन था या पार्टी थी, तो उसकी सेक्रेटरी से मेरी रोज़ मुलाकात होती रहती थी, हवा पानी बहुत था। तो उसने कहा क्या हुआ, मैंने कहा भाई कुछ नहीं, तो मैं जहाँ खाना खाता था वो ढाबा था, बंगाली का ढाबा कहते थे हम वहाँ, तो खाना खाते थे, वहाँ बड़े जूनियर आर्टिस्ट आया करते थे, तो मैं सबको देखता था, पूछता था भाई कितने पैसे मिलते हैं, क्या होते हैं, डायलॉग के कितने पैसे, तो उस वक्त 270 रुपये मिलते थे ये डायलॉग के। तो मुझे लगता था कि हाँ मैं ट्रेंड आदमी हूँ, इनको डायलॉग के 270 रुपये मिलते हैं, तो मैं तो इतने तो कमा ही लूँगा रोज। तो वो एक प्रोसेस दिमाग में चल गया था कि मैं एक पॉजिटिव तरीके से चलूँ, कि मैं इतने तो कमा ही लूँ। तो मुझे पहली फिल्म जो है, उस दिन रात को जब मैं गया एमपी सिंह साहब के साथ में, तो वहाँ अली टंडन जी मिले, और एक छोटा सा रोल था जो सिर्फ गायबाना रोल था, बाकी तो शेडो नज़र आती थी। फिल्म थी शारदा, जिसमें जितेंद्र साहब, रामेश्वरी जी और सारिका थी, और उस फिल्म में मुझे वो रोल मिला, सिर्फ एक डायलॉग था मेरा, पहचाना मुझे, बस मैं टोपी उतार के दिखा रहा था, पहचाना मुझे, एक लाइन थी, लेकिन उसके 500 रुपये मिले थे मुझे। तो मेरी शुरुआत जो है, राज बब्बर साहब को पहचाना, उन्होंने कहा पहचाना मुझे, तो सारी दुनिया ने उन्हें पहचाना, और उसके बाद सिनेमा में किस तरह तरक्की की, हम इस बातचीत को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए दिल से। कोई आपका ऐसा पेटेंट कोई गाना है, प्रिय गाना है? हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को झुका कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। दिल से एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं मशहूर अभिनेता नेता राज बब्बर जी से। आपने कहा कि पहचाना मुझे, और लोगों ने आपको पहचाना, 150 से अधिक फिल्में आपने बनाई, काम किया, एक से एक बड़ी सक्सेसफुल फिल्म हुई, नायक का काम भी किया, खलनायक का काम भी किया। इस पूरी यात्रा में यदि हम देखें, कौन आपकी, जिसको कह सकें कि सबसे प्रिय फिल्म, जिसमें आपको लगा हो कि नहीं मेरा अपना, यदि किसी को कुछ देखना है तो ये फिल्म देखें? मेरे साथ में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि मैं ये कह सकूं कि मेरे लिए कौन सी प्रिय फिल्म है, क्योंकि मैंने कोशिश यही करी कि मैं अपनी तरफ से बेहतर करूं, क्योंकि मेरी और कोई पहचान नहीं थी, मैंने अपनी कोई स्टाइल नहीं बनाई, मैंने अपना कोई तरीका नहीं बनाया, मैंने अपने आप किसी इमेज में ढालने की कोशिश नहीं की। लेकिन सबसे पहले तो हुआ होगा नुकसान, मैं इसलिए नहीं मानता कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और शायद उसका मैं देखिए, कहीं ना कहीं किसी को तो शुरुआत करनी पड़ती है, और शायद उस मालिक ने वो शुरुआत मेरे नाम लिखी थी। और मेरी जो सबसे पहली फिल्म थी, जिसको मैं अपनी पहचान के तौर पे भी मानता हूँ कि, और जिसके अंदर मेरी पूरी ऊर्जा भी थी, और मुझे कुछ कर गुजर कर दिखाने की जो एक ललक थी, उस ललक को मैं आगे मेंटेन करने के लिए चलता रहा। लेकिन उस फिल्म के अंदर मेरी वो ललक जो थी पूरी तरह की थी, वो है इंसाफ का तराजू। लेकिन जिस तरह से मैं इसलिए जानना चाहता था कि नायक खलनायक वाले जो रोल आपने किए, तो आपके मन में क्या था? ये कई बार होता है कि मैंने कॉर्पोरेट तक आने के बाद भी या दूसरी फिल्मों में भी लगातार लगता है ना कि कहीं आप अचानक फिर खलनायक बन जाते हैं, लेकिन आपके मन में नहीं रहा कि हमेशा मैं नायक रहूं? अंदर तो देखिए ख्वाहिश हमेशा होती है। मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह की मैंने फिल्में देखी, दारा सिंह से दिलीप कुमार तक की जो बात मैं कह रहा था आपसे, जब मैंने ये फिल्में देखना शुरू किया, दिलीप साहब की जब फिल्में देखना शुरू किया, तो मैं दिलीप साहब के अंदाज में मैंने देखा कि दिलीप साहब की जो फिल्में थीं, उनकी पहचान जो है, अगर उनके पूरे कैरियर को देखा जाए तो 10 या 12 फिल्में हैं, बाकी कुछ भी लोग कहते रहे, लेकिन 10 या 12 फिल्मों के अंदर ना 10 या 12 तरह के डिफरेंट डिफरेंट किरदार हैं। दिलीप कुमार की तरह से, क्योंकि दिलीप कुमार का ऑरा इतना बड़ा था, दिलीप कुमार लगा, लेकिन दिलीप कुमार के किरदार अलग अलग थे। मेरे साथ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इंसाफ के तराजी में जब मुझे नेगेटिव रोल सामने रखा गया,
तो मुझे जब स्क्रिप्ट दी गई तो मुझे लगा कि मुझे जिस तरह से हमारे ड्रामा स्कूल के अंदर होता था कि थिएटर में होता है कि जो बेहतरीन एक्टर होता था उसको सबसे इम्पॉर्टेंट रोल सबसे वो दिया जाता था, जो मीठी रोल होता था, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रोल होता था। और मैंने अगर मिट्टी की गाड़ी में मिश्रिकटिकम किया है तो विदूषक का रोल जो था ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रोल था। विदूषक है, शर्विलक है, चारुदत्त तो हीरो है, मतलब एक सिंपल उसकी एक सॉम और उसका जो एक पर्सनैलिटी है उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। तो फिल्मों में भी कोई ऐसा कॉमेडी वाले रोल भी किया आप? तो जी मैंने किए थे, उल्टा सीधा है कि तजुर्बा है, मैंने की फिल्में, कॉमेडी की फिल्में भी करी। और मेरी पहली फिल्म का इसलिए ब्रांडिंग हुआ कि मैंने जब इंसाफ का तराजू की तो इंसाफ के तराजू के अंदर एक नितांत एक ऐसा रोल था, और शायद दुनिया ने तो मुझे गालियाँ दी ही उस फिल्म में, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब मेरी माँ मेरे साथ में फिल्म देख रही थी, हम यहीं देख रहे थे, उस फिल्म का प्रीमियर था, तो प्रीमियर विज्ञान भवन में था, तो जब देख रहे थे तो जब लोग जब स्क्रीन पे चल रही थी फिल्म तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, पुत्र तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा काम मत किया कर। बेटा ऐसा काम मत किया कर। आई थिंक दिट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट के, और मेरी मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी माँ को अगर इस बात के लिए हिला सका हूँ तो मैंने ईमानदारी के साथ में काम किया है। और फिर मैंने कभी इस बात को कभी सोचा नहीं कि मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ या पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ। इंसाफ के तराजू के दौरान ये अभी शूटिंग चल ही रही थी कि मुझे 100 दिन सास की मिल गई, जो रिलीज़ इंसाफ के तराजू से पहले हुई। शारदा तो बहुत बाद में रिलीज़ हुई, सबसे पहली फिल्म जो रिलीज़ हुई है मेरी वो 100 दिन सास की है, उसके बाद में इंसाफ का तराजू रिलीज़ हुई। तो वो हीरो की फिल्म थी जो बिल्कुल ही एक लेकिन उस समय तो बड़ी मोहब्बत वाली फिल्में भी आपने की हैं, तो क्या सेट पर आपको भी मोहब्बत सचमुच में होने लगी थी? मोहब्बत वो भी बात कही जाती है। देखिए मोहब्बत का फिल्मों से ही ताल्लुक नहीं है, इंसान की एक ऐसी एक वाइब्रेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो चाहे आप स्क्रीन पे उसको दिखाते हैं तो स्क्रीन की नज़र आती है, लेकिन वो सिंसियरिटी जो है मैंने कोशिश की कि मोहब्बत में हो या नफरत में हो वो स्क्रीन पे नज़र आए और ईमानदारी से नज़र आए, और कितना कामयाब हुआ ये तो लोग जानते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से मैं कोशिश यही की कि मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ में नफरत और मोहब्बत दोनों को दिखाने की कोशिश की। दूसरा पहलू यदि थोड़ा सा पीछे इधर मुड़ जाए ताज़ा, उसमें राजनीति में भी यही हुआ है, आप समाजवादी जनसभा से आए और एक तरफ से फिर यहाँ भी प्रेम मोहब्बत और नफरत, यहाँ भी नायक की तरह से आपको उठा करके लिया गया और फिर आपको खलनायक दिखाने की कोशिश भी की गई। मैं इसका मुझे देखिए मैंने आपसे कहा ना कि आदमी अगर ईमानदारी के साथ में अगर अपने जज्बे के साथ में कोई भी काम करता है और उस जज्बे में कहीं खोट नहीं होता तो ज़रूरत नहीं है कि उसको आप किस ब्रांड से लेकर जाएं, लेकिन सफलता किसी भी हद से मिले वो मिले। लेकिन आपको तकलीफ तो हुई होगी जिस पार्टी ने आपको नायक समझ करके लिया और बाद में आपके साथ जो है समाजवादी पार्टी में जैसा हुआ, तो लगा नहीं कि आपको जो है वो खलनायक बनाने की कोशिश? नहीं, मुझे लगता है उनकी फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। अच्छा। इसलिए अगर मुझे से मेहनती आदमी को अगर उन्होंने अपनी फिल्म से निकालने की कोशिश की है तो उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई है और आज दुनिया देख रही है। तो ये जो सिनेमा से राजनीति की यात्रा है, इसके पीछे क्या आपका लक्ष्य था कि सिनेमा से हट करके कुछ करना है, या अंदर से लगा कि समाज के लिए अब एक ये भी बड़ी जिम्मेदारी है, अपने इलाके के लिए काम करना है कुछ? मैं जैसा आपसे कहा कि मैं विद्यार्थी जीवन में ही मैं एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ था और समाजवादी विचारधारा थी, डॉक्टर लोहिया के साथ में एक इमोशनल रिश्ता भी आप कह सकते हो बन गया कि क्योंकि बचपन में जब योजन सभा में थे तो वो आगरा में जब आए थे तो उतरते वक्त कंधे पे हाथ रख के जब वो नीचे उतरे थे तो, और इतना बड़े आदमी के बारे में जब सब बड़े बड़े लोग बात करते थे तो मुझे लगता था कि मैं उस बड़े आदमी के हाथों को मैंने अपने कंधों पर लिया है, तो एक इमोशनल बाइंडिंग हमेशा से बनी रही और उस इज्म के साथ में रही। ये अंतिम बात पूछे कि यदि जिस तरह से आप हमेशा अपने को जवान बनाए रखते हैं, एक्टिव बनाए रखते हैं, क्या गाना या क्या राज है जो इसको आप गुनगुनाते रहते होंगे? कोई तो गाना होगा जो आप कहते होंगे चल भाई आगे चल, कोई आपका ऐसा पेटेंट कोई गाना है, प्रिय गाना है? ये जो जिस घर में आज बैठा हूँ इसकी बिल्कुल दाहिनी तरफ कोई 100 मीटर की दूरी पर जो टीवी टावर है, और मैं जब मुनीरका में रहता था तो कभी बस निकल जाती थी तो पैदल आती थी, और कभी कभी रिहर्सल के लिए लाजपत नगर जाना पड़ता था,
तो यहाँ से यहाँ आके हाजिरी देते थे कि शायद यहाँ आज कोई काम मिलेगा, जब नहीं मिलता था तो फिर अपने और दूसरे काम से जाते थे, और जब रात हो जाती थी तो फिर गाना गाते जाते थे कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को झुका कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पा कर मानेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी मंजिल की तलाश जो है वो ख़त्म नहीं हुई, और मेरी मंजिल की तलाश कहीं जो है किसी ऐसे आडंबर में नहीं है, शायद उसकी तलाश मेरे कहीं मेरे काम में है, मेरे कहीं पेशे में है। चलिए राजोबर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात कही जो लोगों के लिए एक मैसेज भी है, दुनिया को झुका सकते हैं अपनी ईमानदारी के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर। आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से कार्यक्रम यही समाप्त होता है, अगली बार एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।